हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वीडियो अपलोड करो, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब मेरे कॉलेज जो है ओपन हो चुके हैं, तो अब मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, एवरी संडे वीडियो अपलोड करता हूँ, और बीच में मैं वीक में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, तो संडे टू संडे वीडियोज़ अपलोड करा करूँगा। तो जैक की वीडियो के लिए बहुत दिन से लोग बोल रहे थे, तो आज जैक को फिर से हम, वैसे तो डेली इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक दोनों टाइम लेकर आता हूँ, लेकिन वीडियो मैं अब संडे संडे को ही अपलोड किया करूँगा। तो जो ये 11 अगस्त थी, इसको ये हो चुका था 3 महीने का, तो आज ये 105 दिन का अप्रॉक्स हो चुका है, तो आज इसको हम फिर से वॉक पर लाए हैं, तो आज इसकी वीडियो बना रहे हैं। जैक, कम ऑन, आओ, आजा 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 जैक, कम ऑन। हाँ, 105 दिन का ये हो चुका है और इसका बॉडी वेट लगभग है 17 kg के अप्रॉक्स इसका बॉडी वेट है। तो आज इसके लिए मैं नई चेन खरीद के लाया हूँ और फ्लेक्सी के लिए भी एक लीश खरीद के लाया हूँ। तो आज पहली बार हमने इसको लीश से बांधा था, घर से जब हम लेकर आए थे लगभग काफ़ी दूर तक मैं इसको इसी से बांध कर लाया था। अब इसकी खोल दिया क्योंकि थोड़ी रनिंग वगैरह करेगा, इस वजह से इसकी जो चेन खोल दी है। अब इसको लीश की हम आदत डालेंगे क्योंकि अभी इसको आदत नहीं है, पहली बार आज हमने इसको बांधा था, तो 15-20 मिनट अभी इसको बांध कर रखी थी और अब ये खोल दी है। देख सकते हैं इसके ईयर्स जो है वो स्टैंड हो चुके हैं और अभी मिट्टी में लेट के काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। जैक, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ईयर्स इसके स्टैंड हो चुके हैं। अभी एक जो है वो थोड़ा सा अभी साइड में जा रहा है, वो भी लेकिन सही हो जाएगा बिल्कुल। सो 105 दिन का ही हो चुका है और 17 kg का बॉडी वेट है। इसको एंटी रेबीज भी लग चुका है, वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी डीवॉर्मिंग भी मैंने इसकी कर दी है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डीवॉर्मिंग होती है, 10 kg पे एक टैबलेट, तो इसको मैंने 2 टैबलेट दी है। जय काओ, कम ऑन, आजा 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 आजा, चलो। सो फ्रेंड्स, अभी वापस जाने का टाइम हो गया, तो ये काफ़ी थक चुका है, तो इस वजह से मैंने इसको गोदी में उठा लिया है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो रही है। 105 दिन का अभी ये हुआ है और बॉडी वेट है इसका 17 kg और ईयर्स इसके देख सकते हैं आप। जैक, शू, ईयर्स इसके स्टैंड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, फर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी भारी हो गया, उठाना मुश्किल हो जाता है। बोन साइज चेक कर सकते हैं आप, पॉ साइज देखिए, 4 उंगली के बराबर मेरा इसका पाव आ रहा है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा बोन साइज़ है, चेक आउट कर सकते हैं आप। 105 दिन का हुआ है अभी ये सिर्फ। सो जर्मन शेफर्ड के केस में कैल्शियम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, इसको मैं 2 सप्लीमेंट देता हूँ, कैल्शियम सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन, और डाइट में इसको मैं देता हूँ। डाइट के लिए बहुत पूछते हैं कि क्या आप इसको डाइट देते हैं, तो बहुत डाइट है इसकी, काफ़ी ज़्यादा खाता है, भूख बहुत लगती है इसे, तो सुबह सुबह इसको हम देते हैं, इसको हम 4 टाइम वैसे खाना देते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले सुबह उठते ही दही खाता है 1 बाउल पूरा भर के, और दही में मैं इसकी पेडिग्री डालता हूँ साथ में, पेडिग्री प्रो पप्पी लार्ज ब्रीड, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है उसका, मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, और उसका प्राइस भी काफ़ी ठीक है, तो आप दे सकते हैं। मैं उसको कर्ड में मिक्स करके देता हूँ 4 टाइम, देखिए। सो बहुत से लोग जो कहते हैं कि मेरा जर्मन शेफर्ड 3 मंथ्स का हो चुका है, 4 मंथ्स का हो चुका है, उसके ईयर्स स्टैंड नहीं हो रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, लगभग कभी कभी 5-6 मंथ्स तक भी ईयर स्टैंड होने में लग जाते हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है ईयर्स के लिए वो है कैल्शियम, और इसके बोन के लिए भी, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर देना है अपने जर्मन शेफर्ड को, और साथ में आप मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, लेकिन कैल्शियम मस्ट है, और साथ में डीवॉर्मिंग ज़रूर करें, डीवॉर्मिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी न्यूट्रिशनल डाइट दे दें उसे, अगर डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो डीवॉर्मिंग करें टाइम टू टाइम, अच्छी डाइट दें, बैलेंस डाइट, खाली होममेड फूड से काम नहीं चलेगा, आपको एक अच्छी क्वालिटी की डॉग फीड देनी पड़ेगी, साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट और डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करें, तो उसके ईयर्स जो हैं वो स्टैंड हो जाएंगे। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी 4-5 मंथ्स भी लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जर्मन शेफर्ड की एक अच्छी ग्रोथ हो, तो उसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराना, आप उसको रनिंग कराएं, वॉक कराएं, सुबह शाम दोनों टाइम ज़रूर आप उसको रनिंग वॉक कराएं, या फिर आप उसको कोई बॉल से भी आप उसको
बॉल फेंक के फैच करा सकते हैं। तो रनिंग और एक्सरसाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं एक अच्छी ग्रोथ हो उसकी। तो इसी वजह से मैं इसको दोनों टाइम वॉक पर लेकर आता हूँ और रनिंग भी कराता हूँ। जैक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करें। क्या होगा, उससे फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आपके कोई भी जो क्वेरीज हैं वो सारे मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। सो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।